कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अभी मैं जा रही थी अपना स्किन केयर करने के लिए। आशीष चले गए हैं। मैंने अभी कुछ नहीं किया हुआ फेस पे, लिपस्टिक लगाई थी। सुबह दूध वाला आ गया था, आई थिंक कोई आ गया था तो मैंने लिपस्टिक लगाई थी। मेरे को लिपस्टिक बहुत पसंद है तो ऐसे तो जाएंगे नहीं, अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं गई थी लिपस्टिक लगाकर और नीचे आशीष को छोड़ने के लिए। आशीष चले गए, ब्रेकफास्ट हो चुका है। अभी मुझे अपने बालों में आज ऑयलिंग वगैरह करी हुई है मैंने, और आप लोग के साथ में कल आएगा हमारा 120 डेज का थर्ड थर्ड मंथ का थर्ड वीक। और फर्स्ट तो जा चुका है, फिर फोर्थ मंथ स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कृष्णा देखो खेल रहा है। मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हुए हैं अभी, आप देख सकते हो। और वो जो लड़कियाँ आती थी, वो लड़कियाँ नहीं आ रही हैं आजकल। उनको पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को लड़की चाहिए परमानेंट, बट कोई लड़की ऐसे मिल नहीं रही है जो मेरे पास हमेशा रहे। मेरे को ऐसी लड़की चाहिए कि जो मेरे साथ हमेशा रहे, बट ऐसी कोई मिल नहीं रही है। बाकी देखते हैं, माता रानी की मर्जी। और चलो, मैं अपना स्किन केयर कर रही थी तो मैंने कहा आप लोग के साथ में शेयर कर दूँ। आप लोग बहुत टाइम से पूछे दीदी क्या लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, आपकी स्किन बहुत अच्छी लग रही है। देखो मैंने कल ना मेकअप किया हुआ था, रोज हिप्स का सिरम लगाया था। ये देखा आपने, ये ड्राइनेस एक ही दिन में, ये देखो। देखिए मनीषा आई है और मुझे कृष्णा को लेके आई थी। दूध वाला आया था, कृष्णा ने पॉटी करी थी, कृष्णा को पॉटी किए हुए मैं लेकर आई थी नीचे। यार बड़ा दिक्कत होती है अकेले रहने में। चलो भैया, चलो गाइज, मैं आप लोगों से भी कंटिन्यू करती हूँ आगे। तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे ड्राइनेस हो गई, यहाँ पे ड्राइनेस हो गई है। ये जो रोज हिप्स का सिरम होता है ना, जब मैं लगाती हूँ, जब मुझे मेकअप करना होता है। बाकी मैं कुछ और इसका सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मुझे मिलेगा कुछ मेकअप बेस को स्मूथ तरीके से अप्लाई करने का, तो वो शेयर करूंगी। तो चलो देखो आप लोग स्किन केयर मेरी। सो गाइज, ये वही वाला ओपटन है जो मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया हुआ है। इसको आप अपने हाथ पैर पूरे ऑल ओवर बॉडी में लगा सकते हो। तो उसको मैंने कच्चे दूध में घोल करके मिक्स करके रख दिया है। सुबह मैंने इसको 9 बजे के करीब भिगा दिया था, और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा ये जो है ना पानी जम जाएगा। चलो कृष्णा से बात कर लो आप लोग। बोल दो सबको, जल्दी बोल दो, चल रहा है। हाय गाइस, हाय गाइस, गाइस किधर किधर गाड़ी है, किधर? सबको हाय गाइस बोल दो। हाय गाइस, मम्मा के साथ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। हाय गाइस, हाय गाइस, शैताना करता हूँ मैं, सारा दिन शैताना करता, दिन भर शैताना करता, लाख में खत्ता ना ना, सारा दिन करता करता। बाय कर दो। कितना सुंदर हूँ मैं, सुंदर मम्मा का लाल दुलाला। अरे 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 अरे, अच्छा सुनो सुनो सुनो, कृष्णा मम्मा कैसे बोलती हाय गाइस, बोल दो बोल दो, मेरा बच्चा गुलगुट्टू गुलगुट्टू गुलगुट्टू। अच्छा जाओ फिर, बाय तो कर दो इनको, गाइस को। सो गाइस, जब वो थोड़ा सा जम जाएगा, आप दूध में भिगो के रखोगे तो आपका जो पैक है वो जम जाएगा। तो उसमें आप थोड़ा सा रोज वाटर या फिर आप थोड़ा सा पानी डालकर उसको मिक्स कर लीजिए, फिर अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि वो पानी सोखता है और उसका फोड़ना जरूरी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने फेस पे कर रही हूँ क्लींजिंग। तो क्लींजिंग के लिए मैंने यहाँ पर होममेड दही यूज किया हुआ है। आप अपना घर का दही यूज करें, तो दही आप यूज करते हैं तो घर का ही यूज करें, मार्केट वाला मत करें, क्योंकि मार्केट वाला जो दही होता है वो अच्छा नहीं होता है। और आप अपने स्किन के लिए दही बना सकते हैं। वैसे मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगी होममेड क्लींजिंग मिल्क, आप कैसे बनाओगे अपना घर पे, अपना क्लींजर कैसे बनाओगे अपने फेस को, मेकअप को रिमूव करने के लिए, तो वो शेयर कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पर एक बार क्लींजिंग के लिए थोड़ा सा दही लिया था, जिससे मैंने अपना मेकअप रिमूव कर लिया। मेकअप में मेरे कुछ नहीं था, बस वही फेस पे आंखों में जो मैंने काजल और अपना मेकअप किया हुआ था रात में, वही वाला था पूरा, और कुछ नहीं था। तो बस मैंने वो निकाल दिया, और लिपस्टिक थी वो निकाल दिए है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम करेंगे फिर से एक बार दही से क्लींजिंग, और अच्छी तरीके से करेंगे। कृष्णा मुझे परेशान बहुत करता है, तो मैं उसको आवाज़ लगा रही थी कृष्णा कृष्णा कि इधर से उधर जाए ना, क्योंकि शैतानी बहुत करने लगा है, सारे टॉय लेकर के पटक पटक करके तोड़ने लगा है आजकल, बहुत शैताना करने लगा है। छोटा सा इसका नाम लिखवाऊंगी, अब स्कूल जाएगा कृष्णा। कृष्णा पढ़ाई करोगे? क्यों, बॉल से खेलोगे, टॉय से खेलोगे, पढ़ाई नहीं करोगे? तो यहाँ पर मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया। फेस को क्लीन करने के बाद आप देख सकते हो फेस कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है पानी से धोने के बाद से। मैं साबुन फेस वॉश ये सब नहीं यूज़ करती हूँ। मैं हफ्ते में अपना जैसे दही हो गया, कॉफ़ी हो गया, हमेशा चेंज कर करके। रोज़ तो मैं दही से धोती हूँ, बट हफ्ते में 2 से 3 बार मैं अपना स्टीम लेती हूँ, और उसके बाद से अच्छे से क्लीन करके अपना ये पैक लगा लेती हूँ वैसे। और नॉर्मली आप फेस को अपना रोज़ दही दही से साफ़ कीजिए, और उसके बाद से अपना क्ली जो क्रीम शेयर किया वो यूज़ कीजिए।
मैंने बाल धो लिया है और आप देख सकते हो मैंने अपने फेस पे जो स्किन केयर किया था उससे फेस कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है। मैंने अभी टोनर लगाया है, एक्चुअली मैं बाहर धूप में बैठी हुई थी, तो ये टोनर ऐसा है कि अगर आप धूप में बैठते हो, मेरी वीडियो चल रही है जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर करी है, तो क्या होता है ना कि जब आप धूप में बैठते हो ना तो धूप में बैठने से हमारे फेस पे टैनिंग होने लगती है, झाइयाँ होने लगती है, ब्लैमिशेस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप बाहर से आकर अगर आपका फेस क्लीन है, आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए हो, डस्टिंग वाले एरिया में नहीं गए हो, मैं बाहर ही बैठी हुई थी बालकनी के पास जहाँ पर स्टेयर्स होते हैं थोड़े से, तो वहाँ पर मैं बैठी हुई थी, तो मैं वहाँ से आकर अपने फेस पे टोनर लगाया है जिससे मेरे फेस पे जो भी सन की जो रेज है उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। तो मैं बाहर से आकर अपने फेस को मैंने क्लीन किया है, वाइप आउट किया है, पानी से फेस को वॉश किया है नॉर्मल पानी से, उसके बाद से मैंने अपना बिल्कुल ठंडा ठंडा सा रोज का नया एक फेस टोनर बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धूप में बैठते हैं उनके फेस पे डलनेस डार्कनेस हो जाती है विंटर के टाइम में, तो वही मैंने यूज़ किया और अपने फेस में मैंने कोई मेकअप नहीं किया, आप देख सकते हो, और बहुत अच्छा लग रहा है फेस इस टाइम में। आप देख सकते हो ओपन पोर्स बिल्कुल भी नहीं है मेरे फेस पे, हाँ मेरे फेस पे मोल बहुत है और इनको हटाना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल भी हटाने की कोशिश ना करें। देखिए जो मसा होता है ना, मसा बोलते हैं क्या बोलते हैं आई डोंट नो, तो वो आप हटा सकते हो, बट ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल हटाने की कोशिश ना करें क्योंकि ये हमारी स्किन के अंदर होता है, इसको आप हटा नहीं सकते। देखो ठीक है, आपके फेस पे प्रॉब्लम होने लगती है तो आपको हटाना नहीं है। तो चलिए मैं खाना बनाने जा रही हूँ, टाइम देख लो, अब मैं खाना बनाऊंगी, कृष्णा खाना खाएगा। बाबू खाना खाओगे? भूख लगी है? चॉकलेट। चॉकलेट क्या? तो दीदी ना। बोल दो ना। लिपस्टिक लग गई कृष्णा की, लिपस्टिक लग गई, लिपस्टिक। चलो कह दो बाय, खाना खा लूं? बोल दो। सो गाइस चलिए मैं खाना बना लेती हूँ, कृष्णा के साथ खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। स्किन केयर मैंने करी है वो आप लोग के साथ मैं डिटेल में बताऊंगी बाद में, तो चलो जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, खा लेती हूँ। आज की वीडियो जरूर से जरूर पूरी पूरी देखना, बहुत गजब की है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, उसको कंटिन्यू में यूज कीजिएगा। और आप लोग के फेवरेट एसेंशियल ऑयल 3 एसेंशियल में शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ में, और जिन्होंने वीडियो में कमेंट किया हुआ है उनके वीडियो का आंसर करूंगी और उन लोगों के वीडियो का नाम लूंगी मैं अपने चैनल पर। हाय गाइस, खाना वाना हो गया है, मैं थोड़ा सा एक बार टचअप कर देती हूँ झाड़ू लगा करके, तो बस वही कर रही थी मैं, और अभी खाना खाया है कृष्णा, देखो गाड़ी लेकर खेल रहा है, और मैं लगा रही हूँ झाड़ू, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से एक बार बात कर लेते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं, है ना, उसके बाद से मैं थोड़ा सा आराम करूंगी। आराम क्या करूंगी, बालों को सुखाना है मुझे, अभी आप लोग के साथ में यहाँ पर शेयर भी कर दूंगी कि बालों को सुखाती कैसे हूँ मैं, है ना, तो बस। और खाना पीना हो गया, अभी शाम को आज जाएंगे कृष्णा को इंजेक्शन लगवाने के लिए, कल हम जा नहीं पाए थे, आज ही लेट आए थे, 7 बजे तक डॉक्टर बैठते हैं, अभी डॉक्टर को फ़ोन भी करना है मुझे, तो मैं 5:30-6 बजे के करीब उनको फ़ोन करूँगी। कितना बज गया? 3:00 है ना, बस मुझे अभी देखो खाना खाया है, खाना खा के मैंने तुरंत कृष्णा ने पॉटी कर दिया, पॉटी साफ़ किया है। आज मैं आप लोग के साथ में अपनी पूरी लाइफ जो पूरा दिन का काम होता है ना वो सारा ही शेयर कर रही हूँ, देख लो आप लोग खुद देख लो, 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है अपने लिए, है ना, तो बस वही चीज़ें हैं। देखो ये वाला रूम भी सारा सेट किया हुआ है मैंने, और बस ये कर्टन वगैरह मैंने थोड़ा सा खोल दिया है कि धूप आ जाती है थोड़ा सा रूम में, है ना। बस अब मैं पानी पीऊँगी और किचन में, किचन को खाना वाना बनाकर अपना खा लिया है मैंने, बस यहाँ पे बर्तन है थोड़े से ये क्लीन करूँगी, साथ के साथ मैं बर्तन क्लीन वगैरह करके रख देती हूँ, मतलब कि जो भी जूठा उठा थोड़ा बहुत रहता है ना, जैसे खाना बच जाता है तो थोड़ा बहुत वो। और चले कृष्णा बेड पे, चलो बेटा मम, आप मम को मम पीना है, मम आप बेड पे चलो, मैं आपको सुला दूँ, अभी कृष्णा को सुलाऊंगी, 3:30 हो रहा है, 4 बजे का, तो मैं पानी पी लूँ, और मैं हमेशा अपना कृष्णा का बॉटल, मेरा ग्लास और पानी यहाँ रखती हूँ लगा करके, जिससे कि मुझे जब पानी पीना हो पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे प्यास बहुत लगती है। तो चलिए मैंने पानी पी लिया है, कृष्णा को आराम करा दो, एक बार देख लूँ, लॉक लगा दिया है, हाँ लॉक लगा है। और देखो कृष्णा ने मेरा ना जो एलोवेरा का पेड़ होता है वो तोड़ दिया, बहुत सारा तोड़ दिया है, मैंने थोड़ा सा गोपी बॉल लगा लिया है। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों से बात करती हूँ लेट कर, कृष्णा क्लोज द डोर बेटा। तो गाइज मैं अभी कृष्णा को निन्नू करा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है बाय। हाय गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये मैंने नई हेयर स्टाइल बनाई है आज, आशीष को मैं बेवकूफ़ बनाने वाली हूँ ये, कि मैं जाऊँगी ब्रेड बनाकर, आप देख सकते हो मेरी ब्रेड, शीशे में ही देख लो, शीशे में देख के ही काम चला लो आप लोग,
ठीक है, मैं ना उनसे बोलूंगी कि आज मैं ऐसे ही जाऊंगी छोटी बनाकर, देखना उनका रिएक्शन। देखो कैमरा तो हम नहीं लगा सकते हैं कि मैं ये बोलूं कि मैंने कैमरा सेट कर दिया है, और क्या बोलते हैं आशीष, तो कैमरा तो नहीं सेट हो सकता है, क्यों? क्योंकि मेरे पास छोटा वाला कैमरा है नहीं, और इतना बड़ा फ़ोन लगाऊंगी उनको समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ में क्या कर रही, गेम कर रही। तो मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगी, और मैं उनसे यही बोलूंगी कि आशीष मैं जा रही हूँ कहाँ पर, डॉक्टर के यहाँ, ऐसी ही गेटअप में जाऊंगी जैसे मैंने छोटी बनाई है, ब्रेड बनाई है। आप लोग को मैं यहाँ पर दिखाती हूँ मेरी ब्रेड, ये देखो। ठीक है, तो कृष्णा उड़ गया, तो मैं कृष्णा को रेडी कर लूँ। मेरा कैसा लग रही है गेटअप देखो, इसलिए मैंने ये वाली फ्रंट हेयर कटिंग करी थी जिससे मैं अपने बालों में कर्ल कर सकूँ। सच में बहुत गजब लग रहा है। आशीष का रिएक्शन होगा, आशीष क्या बोलते हैं मुझे कि तुम ऐसे गेटअप में जाओगी, छोटी करके जाओगी, वो वीडियो मैं आप लोग के साथ में कल शेयर करूंगी। ठीक है, कल के व्लॉग में आएगा ये व्लॉग, अभी मैं डाल दूंगी, तो देखती हूँ कितने देर में एडिट होकर आप लोग को मिलता है। और मेरे को नेल पेंट भी लगाना था, देख लो 2-3 दिन से कह रही हूँ नेल पेंट लगाना, नेल पेंट लगाना, टाइम नहीं मिला है। ठीक है, तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और ये वाला आईज मेकअप मैंने थोड़ा सा लाइट किया हुआ है, जैसे मैंने कल किया हुआ था ना वैसे ही वाला था, बट कल की जो आज वीडियो गई है स्मूथनिंग वाली, जो नया हेयर पैक गया है उसमें मैंने जो वीडियो शूट हुई है वो कैमरे से नहीं शूट हुई है, वो ऐसी ही शूट हुई है, इसलिए अच्छी नहीं आ रही है। तो कैमरे से अगर आती तो बहुत अच्छी आती। कृष्णा उठ गया, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में, बाय, लव यू। ये देखो मेरा फुल गेटअप, लोग जा रहे हैं, आशीष आ चुके हैं, और मैंने आज छोटी बनाई है नेल पेंट, फाइनली आज चेंज करने का टाइम मिल गया। बताओ मेरे को छोटी करके चलूँ या फिर खोल दो और जूड़ा बना लो, हट बेटा, बहुत छोटी है। चलिए आप बताइए आशीष, जूड़ा बना लो ना, मर्जी तुम्हारी, तुम बताओ बना लो, क्या बनाऊं, इधर भी बोल दिया करो कभी कभी, हाय हेलो, हेलो गाइस, कैसे हो आप? कृष्णा भी बोलेगा, कैसे हो, बाय गाइस। तो गाइस चलिए, आशीष ने कहा है मुझे कि तुम जूड़ा बना लो, ऐसे मत जाओ, ठीक है, तो चलिए मैं जूड़ा बना लेती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ बाद में, बाय, लव यू।